हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त साजिद हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक टिप बताने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आए मेरी टिप तो दूसरे लोगों तक शेयर करने के लिए मेरी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन वाली घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में मैं बहुत ही खुश हूँ और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, वक्त को मज़ीद ज़ाया ना करते हुए आपको बताऊँगा और आप लोगों से शेयर भी करूँगा कि मैं आज आपके लिए कौन सी नई टिप लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आप लोगों को यकीनन इससे फ़ायदा भी होगा और आप लोग भी इसको पसंद करेंगे। तो देखते हैं मेरी वीडियो में मैं आज के लिए इस वीडियो में मैं आज के लिए क्या लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह खुश होंगे, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलें वीडियो में देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, कौन सी चीज़, कौन सी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, वीडियो में देखते हैं। जी तो दोस्तों, ये वो फाइनल एक रॉड है जो लोहे से इस तरीके से इस शेप में बना हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने बर्ड को, अपने कबूतरों को ये दाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली ये दाना डालने के लिए बना हुआ है। इसके ऊपर जब आपका कबूतर बैठेगा तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। दाना नीचे आपने डालना है जिस तरीके से मैंने ये डाल दिया है। मज़ीद इसमें हम दाना डालते हैं। ये मैंने गंदम उसके दाने डाले हुए हैं, तो ये ऊपर से इसका व्यू इस तरीके से नज़र आएगा। ये देख लें, इसका फ़ायदा कबूतरों को डालने के लिए या किसी भी ऐसे जानवर को डालने के लिए आप ले सकते हैं कि जो कि एक तो आपका टाइम बचेगा, आप दाना इसमें डाल के अपने परिंदों को, अपने कबूतरों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से इसमें से खा सकें। और एक फ़ायदा तो इसका ये होगा और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी कि आपके बर्ड्स भूखे ना रह जाएं। आपके बर्ड्स को आपने दाना डाला है कि नहीं डाला, आप इस अमल से बेफिक्र हो जाएंगे। मेरा आपको यही मशवरा है, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बर्ड्स को इसमें दाना डाल के ये प्रोवाइड करें। आपका टाइम भी बचेगा, आपका दाना भी ख़राब होने से बचेगा और आपके बर्ड को पता भी होगा कि आप, जैसे कि मैंने अभी दाना डाला, ये सारे कबूतर दाना देखने के लिए इस राड की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। उनको पता है कि इसमें दाना ज़रूर रखा होगा, वो अपनी मर्ज़ी से इसमें से खा लेंगे। मज़ीद हम इसमें बाजरा भी डालते हैं ताकि बाजरा भी ये खा सकें। तो बाजरे के लिए मुझे इस बोरे में से बाजरा निकालना पड़ेगा जो मैं यहाँ, आप देख सकते हैं कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से दे दूंगा और ये सारे बड़ी आराम से इसमें से बाजरा अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेंगे, खा लेंगे। ये थोड़ा आप, अगर आपने गंदम भी देनी है तो गंदम भी इसमें मुकम्मल तौर पे डाल के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इन तमाम कबूतरों के आगे ये करता हूँ और आप देख सकेंगे कि किस तरीके से ये अपना अपना दाना खाने के लिए इसकी तरफ बढ़ेंगे और बड़े ही आराम से, जिस तरीके से एक एंगल का बन जाता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जाविये में ये खड़े होके आराम से दाना खाएंगे। अगर ये ऊपर इस राड के ऊपर आ भी जाएं तो ये एक फिरकी की तरह बना हुआ है, ये घूम जाएगा और कबूतर ऊपर नहीं बैठ सकेगा। इसको दाएं या बाएं तरफ से ही खाना पड़ेगा और बड़ी ही आराम से ये दाना खा सकेंगे। अपना और अपने बच्चों का ये पेट भरने के लिए यहाँ से दाना अपनी मर्ज़ी से खा सकेंगे। बिल्कुल इस एंगल में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम बर्ड दाना
खा रहे हैं और आपका दाना ख़राब भी नहीं होगा, ज़ाया भी नहीं होगा। ऊपर आके जैसे कि कबूतर या अक्सर परिंदे दाना ख़राब कर देते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं कर पाएंगे आपको। मैंने कुछ दाना ज़्यादा इसमें डाल के इनको प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये भूखे होंगे तो इनको दाना ज़्यादा मकदार में देना मुझे पड़ेगा। तो ये देखें, पानी भी इधर रखा हुआ है तो ये दाना भी इधर रखा हुआ है। अपनी मर्ज़ी से ये दाना भी खाएंगे और पानी भी अपनी मर्ज़ी से पियेंगे। आप भी ये राड इस्तेमाल करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप इस तरीके से ये लोहे का राड अपने बर्ड को दाना डालने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी कीमत भी नहायत मुनासिब है, आपको तकरीबन 400 रुपये में ये पड़ेगा। 400 रुपये में आपको ये मुकम्मल बना हुआ इसी तरीके से ये राड मिलेगा। आप अपने बर्ड्स को इसमें दाना डाल के प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो आपने ये देख लिया कि दाना ख़राब नहीं होगा। अपने बर्ड को वक्त ना दे सकने की वजह से आप इनको इस तरीके से दाना दे सकते हैं। लाडला बर्ड और दूसरा बर्ड भी ये देख लें किस तरीके से शोर डाल रहा है। लाडला बर्ड ऊपर बैठा हुआ है। फ़िलहाल तो मैं इस राड के मतलब आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा बहुत ही आसान और पसंदीदा अमल है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से अपने बर्ड्स को दाना प्रोवाइड करता हूँ। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपको कम वक्त मिले या आपके बर्ड दाना मज़ीद ख़राब कर दें। अच्छा, इसका ये बेनिफिट भी है, ये देख लें, ये इस एंगल में बना हुआ है कि अगर परिंदा चोंच भी मारता है ना इसको दाने को, तो ये नीचे मतलब इस तरीके से अंदर को इसकी शेप मोड़ के बनाई हुई है, ये दाना बाहर नहीं गिरेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा अक्सर बर्ड चूँच मार के दानों को इर्द गिर्द फेंक देते हैं, इनका वो अमल अगर ये करते भी हैं तो दाना मज़ीद ख़राब नहीं होगा। दाना वैसे का वैसे ही इस राड में इस तरीके से पड़ा रहेगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और बहुत ही आराम से तमाम बर्ड तमाम परिंदे इस दाने को खा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपका वक्त बचेगा, आपके परिंदे आपका दाना ख़राब नहीं करेंगे, आप बहुत ही कम कीमत में ये राड खरीद के अपने बर्ड को इसमें दाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपने बर्ड्स के मज़ीद दाना ख़राब करने की वजह से या वक्त ना देने की वजह से आपको कोई परेशानी है, तो आप इस राड का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही तरीके से बना हुआ है, इसमें जानवर किसी भी सूरत में दाना ख़राब नहीं कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये देख लें, पानी भी इसमें रखा हुआ है मैंने अलग से, और इसके साथ दाना भी पड़ा हुआ है और बड़े आराम से तमाम कबूतर इसमें दाना खा रहे हैं। जिन्होंने खाना है वो आके खा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं खाना वो देख सकते हैं, वो ऊपर भी बैठे हुए हैं उसी तरीके से के ये देख लें, इधर भी बैठे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो दाना खा रहे हैं वो आपके सामने नीचे आपको नज़र आ रही है। अब मैं इनको इसी तरीके से दाना डालता हूँ, इसी तरीके से इनको दाना प्रोवाइड करता हूँ। आप भी इसी तरीके का इस्तेमाल करें और अपने बर्ड्स के साथ खुश रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने बर्ड का बहुत सा रखिए ख्याल। बाय, अल्लाह हाफिज़।